नमस्कार दोस्तों, विश्व यात्रा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वार्ष्णेय। दोस्तों आज हम मनाली आए हुए हैं और यहां के लोकल साइट सीन विजिट करेंगे। हमने अपनी पूरी लद्दाख ट्रिप एंजॉय करने के बाद लेह से नेशनल हाईवे 3 द्वारा चिस्सू व जिस्पा वैली होते हुए मनाली के लिए प्रस्थान किया। लेह से मनाली की दूरी लगभग 425 किलोमीटर है। यह मार्ग वास्तव में बहुत ही एडवेंचरस और सीनिक है। इस हाईवे पर एक से बढ़कर एक लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। यह मनाली लेह रूट जीवन में एक बार अवश्य देखने योग्य है। लेह से लगभग 335 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम लाहौल स्फीति जिले में स्थित जिस्पा वैली पहुंचे। सी लेवल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर यह एक छोटा सा गांव है। जिस्पा वैली पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हमने वहां रिवर साइड टेंट में स्टे किया। जिस्पा वैली में सुबह का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। हमारे रिसोर्ट के पास ही भागा रिवर का व्यू देखते ही बन रहा था। यकीन मानिए, जिस्पा वैली इतनी सुंदर है कि आप सोचेंगे कि यहाँ पहले क्यों नहीं आए। जिस्पा वैली के ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय करते हुए हम मनाली की ओर रवाना हुए और लगभग 68 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम अटल टनल पहुंचे। 9.02 किलोमीटर लंबी यह टनल ईस्ट पीर पंजाल रेंज के रोतांगला पास के नीचे बनाई गई है। 10,037 फीट की ऊंचाई पर बनी यह टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। इस टनल के बन जाने से मनाली से लाहौल स्फीति की ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई और इस मार्ग की लगभग 46 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गई है। अटल टनल क्रॉस करने के बाद हमने फोटोग्राफी की और यहाँ से बर्फ और बादलों से ढके पहाड़ बहुत सुंदर दिख रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम सोलांग वैली पहुंच गए। यह एक ब्यूटीफुल वैली है जो मनाली से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वैली बर्फ से ढकी पहाड़ियों, घने देवदार के पेड़ तथा एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए फेमस है। यहाँ घास के सुंदर ढलान पर लोग पैराग्लाइडिंग एंजॉय करते हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फ की चादर बिछ जाती है और विजिटर्स स्नो एक्टिविटीज करते हैं। सोलांग वैली से हम मनाली पहुंचे। होटल में चेक इन करने के बाद हम मॉल रोड घूमने निकल गए। यह बाजार खरीदारी और स्वादिष्ट भोजन के लिए फेमस है। शाम के समय टूरिस्ट यहाँ घूमने और शॉपिंग करने आते हैं, तब यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। हमने यहाँ मॉल रोड स्थित माँ दुर्गा के मंदिर के दर्शन भी किए। अगले दिन सुबह हमने अपने दिन की शुरुआत हिडम्बा टेम्पल से की। यह एक प्राचीन मंदिर है जो माता हिडम्बा को समर्पित है। घने देवदार के पेड़ों के मध्य यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सन 1553 में किया गया था। इस मंदिर के पास ही एक घटोत्कच मंदिर भी है। हिडम्बा मंदिर विजिट करने के बाद हम वशिष्ठ मंदिर विजिट करने गए। यह मंदिर भी एक प्राचीन मंदिर है और ऋषि वशिष्ठ को समर्पित है। ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ तपस्या करी थी और यह मंदिर पारंपरिक पहाड़ी शैली में बनाया गया है। इस मंदिर में लकड़ी का बहुत सुंदर काम देखने को मिलता है। इस मंदिर प्रांगण में एक गर्म पानी का पवित्र कुंड भी है। मान्यता यह है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इस मंदिर के पास ही एक भगवान श्री राम का मंदिर है। यह मंदिर भी दर्शनीय है। मनाली में आप मनु मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। यह मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है। माना जाता है कि उन्होंने इसी स्थान पर मानव सभ्यता की नींव रखी थी। मनाली हिमाचल प्रदेश का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ प्रत्येक बजट के अच्छे होटल अवेलेबल हैं तथा खान पान के भी यहाँ बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। मनाली विजिट करने का बेस्ट सीजन गर्मियों में मार्च से जून तक है। यदि आप बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी तक जा सकते हैं। बरसात में यहाँ बचना ही एक अच्छा विकल्प है। मनाली आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो कुल्लू मनाली एयरपोर्ट यहाँ का निकटतम
एयरपोर्ट है जो शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। सड़क मार्ग से मनाली, शिमला से 245 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 335 किलोमीटर, दिल्ली से 510 किलोमीटर अच्छी प्रकार जुड़ा हुआ है। सभी शहरों से मनाली के लिए अच्छी वोल्वो बस सर्विस उपलब्ध है। यदि आप रेल मार्ग से मनाली पहुंचना चाहते हैं तो चंडीगढ़ 335 किलोमीटर तथा पठानकोट 380 किलोमीटर यहाँ के पास के बड़े रेलवे स्टेशन हैं जो पूरे देश से अच्छी प्रकार जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया स्क्रीन पर आए हुए वीडियो लिंक क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए तथा विश्व यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।